निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतनी प्रॉफिट है जितने सोच नहीं सकते। आप मंथली इनकम यहाँ पे एक दिन में निकाल सकते हो, लेकिन कब कब? देखो, आप जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हो तो मुझे लगता है कभी मत सोचना, क्योंकि ये आपका लालच है। याद रखना, नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। साथ मिलके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे। क्या है एम्पायर, क्या है टीम सूर्य शुक्ला का एक नया टारगेट? विश्वास करो, इस नए मिशन में मुझसे ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। जो मेरे 100 स्टूडेंट है, मैं उनको पहले बेनिफिट दूंगा। आपके पास दो ऑप्शन है, आपको नौकर बनना है या सेठ बनना है। हाय, दिस इज दिल लगी, सो वेलकम। दिस इज माय न्यू ब्लॉग, 7th ब्लॉग। कल रात को मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मैं जल्दी सो गया था। और आपको, मेरे जल्दी सोना मतलब मैं 2 बजे सो गया था, ये मेरे लिए बहुत जल्दी था। और सुबह 5 बज रहा है, 5:30 बजे नजारा है। तो अगर सुकून से नींद आ गई 3 से 4 घंटा तो भी बहुत है। सो वेलकम, आज एक नया मोटिवेशनल वीडियो और नए टारगेट की सर्चे में रहेगी, नया टारगेट मार्केट में दिखेगी। सो मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने। आपको एक चीज़ पता है, मैं इस फील्ड में आया था ना, जो सोच के आया था मुझे वो रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, मैं जो भी सोच के इस फील्ड में अपना टारगेट लेके आया था, मुझे वो रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए अब नींद नहीं आ रही, मज़ा आ रहा है काम करने में यार। महादेव बाबा साथ दे रहे। थोड़ा मुझे भूख लगी इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ नाश्ता करने। मैं उठा, फ्रेश हुआ, नहाया, उसके बाद फिर मेरे को ना मुझे मेरा सर पेन दुखने लगा, तो मैं सो गया। तो अब उठा हूँ मैं, अभी हो रहा है टाइम कुछ 9:30 बज रहे। सो मैं जा रहा हूँ थोड़ा कुछ नाश्ता करने। पंजाब के मशहूर छोले भटूरे, तो ये पंजाब के मशहूर छोले भटूरे, श्री राम जी के छोले भटूरे। देखो भाई जी, हाय करो। हाय। तो देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में लोग गलती क्या करते हैं? अभी जैसे कि देखो, मैंने अपने ग्रुप में डाला है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा। सो मैं जो बाइंग जोन दिया हूँ, मैं वहीं पे बाय करूँगा, मैं बीच में मार्केट में नहीं कूदूंगा। ये जो बीच में कूदते हैं वही लॉस करते। जब आप ऑलरेडी इसको महंगे प्राइस में खरीदोगे तो मार्केट अगर थोड़ा भी नीचे, आपका लॉस होने लगेगा। सो क्यों ना आप ऐसा करो कि जहाँ पे उसका एग्जैक्ट डिमांड पॉइंट है वहाँ पे बाय करो ना, फिर आपका लॉस होना ही नहीं है। तब हाँ, अगर मार्केट बहुत बड़ा क्रैश आएगा तब आपका हो सकता है लॉस होने, तो अदरवाइज डिमांड जोन में हमेशा आपको प्रॉफिट ही दिखेगा। ये निफ्टी बैंक निफ्टी वाले ट्रेडर्स नहीं समझ पाते, जो बिगिनर होते हैं। मैं मस्त सोके उठा 10 बजे। देखो, मैं आप ग्रुप में डाल रहा हूँ, 10:32 पे 10:30 बजे मैंने ग्रुप में मैसेज डाला और तब से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया और नियर बाय 11 बजे तक अच्छा खासा बेनिफिट हो गया। जॉब से बेटर है तो आओ ना यार। क्लास का फीस कितना है? बट फीस पे मत ध्यान दो, लाइफ टाइम का सेट हो सकता है, ये तो सोचो। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ 2 दिन से, क्योंकि कल भी मेरी तबीयत डाउन थी, रात में मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, और आज भी मैं सुबह 5:30 बजे सोके उठाऊ, सोया था 2 बजे, तो 4 घंटे की नींद में मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो तबीयत डाउन लगी। तो अब मैं जा रहा हूँ वीडियो एडिट करूँगा, पोस्ट करूँगा, देन उसके बाद मैं सोऊंगा, क्योंकि मेरा क्लास भी मैं ले चुका हूँ। अब मैं आज शाम को सोने, मुझे अच्छे से नींद लेना है पहले। याद रखना, नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बनता है। साथ मिलके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करेंगे। क्या है एम्पायर, क्या है टीम सूर्य शुक्ला का एक नया टारगेट, ये मैं सब बताऊंगा। और कसम से प्रॉमिस करता हूँ, मेरे इस टारगेट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोग का होगा। आप लोग का बहुत बेनिफिट है मेरे इस मिशन में। क्या है, कैसा ही, मैं किसी ने एक अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगा, उस ब्लॉग में आपको बताऊंगा। गलत कहते ना यार लोग कि इस चीज़ में लॉस है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो यार आप बाइक भी नहीं चला पाओगे, साइकिल तक नहीं चला पाओगे। जिस दिन आपके पास साइकिल का नॉलेज नहीं होगा तो आप स्टॉक मार्केट से फंड कैसे निकाल सकते हो, कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो, जब तक आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज पे फोकस करो, नॉलेज। देखो, आप जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हो तो
मुझे लगता है कभी मत सोचना, क्योंकि ये आपका लालच है। जहां पे आपका नॉलेज दिखे वहीं पे ट्रेड करना, क्योंकि इस मार्केट में आते तो सब लोग है पैसा कमाने, लेकिन कमाते सिर्फ 2% लोग है। क्यों? क्योंकि वो अपने नॉलेज पे फर्स्ट प्रायोरिटी देते, ना कि अपने प्रॉफिट पे देते। जो बंदा पहले ही प्रॉफिट सोच ले, वो क्या लगता है वो इस लाइन में आगे बढ़ पाएगा? नहीं, पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका नॉलेज होना चाहिए। जिस दिन एक बार नॉलेज आ गया, उस दिन आप इस फील्ड में कुछ भी कर सकते हो यार। एक फ्री लाइफ चीज मैं बता रहा हूँ, जहाँ चाहो वहाँ घूम खा पी के वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहोगे, आपका बिजनेस चलता रहेगा। ये ऐसा है, स्टॉक मार्केट से बढ़कर कोई और अब तक अच्छा मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैं मेरा यूट्यूब का छोड़ के इस लाइन में कूदा हूँ। हाँ, इसमें लॉस है, लेकिन तब जब आपके पास नॉलेज नहीं है, तो पहले फोकस नॉलेज पे करो। बताता हूँ कि यार आ जाओ ना यार, ज्वाइन करो क्लास। बेनिफिट क्या होता है स्टॉक मार्केट में, ट्रस्ट करो इस बंदे पे। मत करो यार, मत करो, मैं जो लिखा हुआ उस पे ट्रस्ट करना। आ जाओ, ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर बोलूँगा, नॉलेज पे फोकस करो। हर हर महादेव।